नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। विराम। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। विराम। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। विराम। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। विराम। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। विराम। हिंदू समाज में विवाह भी एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। विराम। महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। विराम। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं। विराम। इसका पता न तो सरकार को है और न ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है, इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। विराम। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। विराम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। विराम। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हमें समाज में जाकर काम करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि इस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी नहीं हो सकेगा और वे सदा गरीबी में अपना जीवन बिताते रहेंगे। विराम। इस कार्य के लिए हमें देश में ऐसी संस्थाएं बनाने का प्रयत्न करना होगा जो देश की सेवा करे। विराम। समाप्त।